हेलो वाइस, तो हम करने वाले हैं ग्रेड फाइव कैसे निकालते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी यूज होंगे आपके आने वाले क्वेश्चन में और ग्रेड फाइव इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, देखो फाइंड द ग्रेड फाइव व्हेन ग्रेड फाइव की जगह पे कुछ भी ग्रेड यू ग्रेड वी ग्रेड डब्ल्यू कुछ भी हो सकता था। ठीक है, एंड गिवन फाइव इक्वल टू दिस एंड एट, ये एट जो दे रखा है ना, मतलब एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू माइनस टू और जेड इक्वल टू माइनस वन, ये वैल्यू रखनी है। देखो ग्रेड फाइव होता क्या, ग्रेड फाइव का फॉर्मूला ये होता है डेल और डॉट प्रोडक्ट फाइव के साथ, और डेल होता क्या है, ये डेल की वैल्यू है। ठीक है, तो आई डेल डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड, और फाइव के साथ इसका डिफ्रेंशिएट करके डॉट प्रोडक्ट करना है। अब देखो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से समझो आप। अब देखो ये वैल्यू थोड़ा मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली जो हम कहना क्या चाहते हैं आपको। ठीक है जी, देखो ग्रेड फाइव तो हमें पता है डेल डॉट प्रोडक्ट फाइव के साथ होता, हमने लिख दिया फाइव की जो वैल्यू है ये है। ठीक है, तो फाइव की वैल्यू हमने लिख दिया है, देखो इस वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ, इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तीनों के साथ। अब इसे करना सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, इसे करना सिर्फ y के रिस्पेक्ट में, इसे सिर्फ करना z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, 6xy, y वाला जीरो हो जाएगा। इसे करोगे आप y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, y का वन हो जाएगा, तो 3x square, और यहाँ पे भी y लगाए तो 3y square और z square। ठीक है, इसे करोगे z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये z के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो z इसमें तो है ही नहीं जेड, तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे जेड है तो 2z, और क्या हो जाएगा वाई का क्यूब तो है ही तो एज इट इज़। ठीक है भाई, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये कैसे हमने किया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं और बता देता हूँ, वैसे समझ में आ ही गया होगा। देखो ये वाला पार्ट अलग अलग सबके साथ लिख लो, तीनों के साथ लिख लिया आपने। ठीक है, फिर एक्स के वाई के और जेड के रिस्पेक्ट में, जिसके जिसके लिए बोला हूँ एक्स वाई जेड, तीनों को अलग अलग करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ होना चाहिए डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, और फिर इसमें वैल्यू रखना है एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पर माइनस 2 और जेड की जगह पर माइनस 1। इसमें रखोगे वैल्यू, इसमें रखना वैल्यू जहाँ जहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे रखना है वैल्यू एक्स वाई जेड की जो भी कुछ वैल्यू है वो रखना है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो -12i हो जाएगा और -9j और -16k। ठीक है, और ये सब में वेक्टर लगाया करो ऐसे, वेक्टर ij के साथ। ठीक है, ये वेक्टर ऐसे i के साथ ऐसे, ये वेक्टर का साइन होता है। ये आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, ग्रेड फाइव हो गया। पर यहाँ पे पूछा था फाइंड द ग्रेड फाइव, ठीक है, वेन फाइव इक्वल टू दिस। इसी क्वेश्चन में आपके साथ आपको पूछ लेता मैक्सिमम निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो ग्रेड, तो क्या करते इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मतलब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट में कर लेते हैं और सबका स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे स्क्वायर और प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता और ये मैग्नीट्यूड हो जाता। ठीक है, और इसको कभी कभी हम ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। तो ये था ग्रेड फाइव कैसे निकालते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले टाइम में हम कुछ और देखेंगे, कुछ नया चीज़ देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।